वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम। क्वेश्चन क्या है जी? फॉलोइंग इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एन आईटी यूनिवर्सिटी। क्राइटेरिया क्या है कि मैट्रिक में 60% मिनिमम मार्क्स हो और इंटरमीडिएट में जो है वो 65% मार्क्स हो और एटलीस्ट जो है वो 65% मार्क्स हो इन एंड, तो क्या होगा? फिर इनका मेरिट बनेगा। अगर ये इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो फिर उनका जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे आईटी यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो इनका हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ, एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि 10th क्लास का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे जो है वो अपलोडेड है, और इसके अलावा आजकल जो है वो सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का जो है वो कोर्स डेटा बेसिस से रिलेटेड वो आजकल अपलोड हो रहा है। ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए टोटल मैट्रिक्स के मार्क्स मालूम करने के लिए, टोटल मैट्रिक, इसी तरह से टोटल इंटर, टोटल एंट्रेंस, और फिर ऑब्टेंड मैट्रिक्स, ऑब्टेंड इंटर और ऑब्टेंड एंट्रेंस। यानी हमने तीनों के मैट्रिक, इंटर, एंट्रेंस टेस्ट के लिए अब टोटल मार्क्स और फिर उसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स के लिए जो है हमने 6 वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए। इसी तरह से हमने 3 और वेरिएबल डिफाइन किए, मैट्रिक परसेंट, इंटर परसेंट और एंट्रेंस परसेंट। इन तीनों से हम क्या काम लेंगे? जो हम इसके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे उसमें परसेंटेज 65% का जो है वो चेक लगा हुआ था कि दिस वन, कि मैट्रिक में 60%, इंटर और एंट्रेंस में जो है वो 65% होंगे तो वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज जो है वो नहीं होगा। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो प्रिंट एफ है, जो मैसेज हम डिस्प्ले कराएंगे, इसमें जो है हम स्लैश एन लगा देते हैं ताकि जो है वो हर चीज़ में लाइन जो है वो चेंज हो जाए आफ्टर प्रिंटिंग द मैसेज, राइट। अब हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, मैट्रिक परसेंटेज निकालते हैं, इंटर परसेंटेज और एंट्रेंस टेस्ट की परसेंटेज। अब हमने ये जो परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं मैट्रिक की, इंटर की और जो है एंट्रेंस टेस्ट की, उसके ऊपर चेक्स लगाएंगे सोल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहले लगाएंगे जो मैट्रिक के ऊपर, इफ मैट्रिक परसेंट जो है वो ग्रेटर इक्वल टू हो 60 के, और उसके बाद था एंड दूसरा चेक था जो इंटर परसेंट है वो ग्रेटर इक्वल टू 65 के हो, एंड और एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस परसेंट भी ग्रेटर इक्वल टू 65 के हो तो जो है वो हम प्रिंट एफ कराएंगे, प्रिंट एफ स्टूडेंट इज एलिजिबल आईटी यूनिवर्सिटी एडमिशन, राइट। ये हमने प्रिंट एफ करा लिया। और अगर इनमें से जो है वो कोई कंडीशन एक भी रॉल्स हो जाए तो हम जो है वो प्रिंट एफ कराते हैं स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। तो किसी भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा अगर नहीं करता स्टूडेंट, वो हमारा स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होगा। हमने इसको बिल्ड और रन किया और ये इसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया है जी? ऑब्टेन परसेंट, ऑब्टेन परसेंट नहीं, ये हमने गलती से लगा दिया। ये ऑब्टेन क्या था? एंट्रेंस था, ऑब्टेंड एंट्रेंस का वेरिएबल था, राइट। ये जो कोड ब्लॉक में हम लिखते हैं सी लैंग्वेज, उसमें देखेंगे अगर हमारा जो ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल है उसकी वो नीचे हिंट भी दे देते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको बिल्ड और रन करते हैं। हरी आ गई आउटपुट विंडो, एंटर द टोटल मार्क्स इन मैट्रिक। टोटल मार्क्स हम एंटर करते हैं जी 1100, और ऑब्टेंड मार्क मैट्रिक के हम एंटर करते हैं 980, ठीक है जी। एंटर द टोटल मार्क्स इन इंटर 1100, और फिर इसके ऑब्टेन मार्क्स हम एंटर करते हैं 899, और फिर टोटल मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट 100, और फिर इसके मार्क्स हम एंटर करते हैं 65, ठीक है जी। वो क्या कह रहा है? स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर आईटी यूनिवर्सिटी एडमिशन,
ये तीनों कंडीशंस जो है वो हमारी पूरी हो गई। कैसे कि मैट्रिक में भी जो है वो 60% है, इंटर में भी 65% है और इसमें भी 65% है। उसने कह दिया जी स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर आईटी यूनिवर्सिटी एडमिशन। अब इसी का जो है हमको ये एक कंडीशन जो है वो फॉल्स करके देखते हैं, तो फिर आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं मैट्रिक के मार्क्स एंटर करती हूँ 1100 और ऑब्टेन मार्क्स मैं इसके कर देती हूँ 899। इसमें नहीं करती, एंट्रेंस टेस्ट में मैं जो है वो कम करूंगी और इसमें भी 1100 आ जाएंगे और ऑब्टेन मार्क्स में आ जाएंगे 950। और एंट्रेंस टेस्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं और ऑब्टेन मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट के मैं लगा देती हूँ जी 40। ठीक है जी, अब मैं अगर एंटर करूंगी तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है जी, ये देखिए मैंने एंटर किया और आंसर क्या आ गया, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। यानी बाकी दोनों कंडीशंस तो हमारी मीट हो रही थी लेकिन एक कंडीशन एंट्रेंस टेस्ट वाली वो मीट नहीं हुई। और हमने यहाँ इसलिए नहीं हुई कि यहाँ हमने एंड का जो है वो लगाया हुआ है ऑपरेटर। एंड का मतलब होता है कि जितनी भी कंडीशन हम एक इसके अंदर दे रहे हैं वो सारी एट अ टाइम पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने व्यूज कमेंट्स में हमारे साथ। और अगर आपके साथ कोई और प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।